सुदामा ने राधा को क्यों दिया था श्री कृष्ण से दूर रहने का श्राप। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलों दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा है उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बन पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई? क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना था? उनकी कुल 8 पत्नियां का जिक्र मिलता है लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता है। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किन हालातों में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए? जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था उसका क्या हुआ? ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजहों को जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। भादो के महीनों में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीने तक राधा ने अपनी आंख नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांड्री वन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी थी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। राधा कृष्ण की नजरों से ओझल क्या होते वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किस और से नहीं बल्कि सुदामा से ही मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्णा को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंचती है और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए।